हरामखोर, जैसे नवाज भाई ने कहा कि हर फिल्म बहुत स्पेशल होती है, लेकिन हरामखोर इज माई डेब्यू इन अ वे, क्योंकि मैंने सबसे पहली फीचर फिल्म जो शूट की है वो हरामखोर है। तो लेकिन सबसे पहली फिल्म जो बाहर आई वो मसान थी। नहीं नहीं, अभी तो कोई चांस है नहीं, अभी तो हरामखोर में है वो। नवाज भाई दिस साइड। नवाज भाई उस रईस के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया से मैं हमारी बात हो रही थी, उसी दिन इंटरव्यू मैंने भी किया था जिस दिन शाहरुख का इंटरव्यू था वहाँ पे, तो उन्होंने पहले आपको स्टोरी रईस की पहले आपको सुनाई थी, और उनका ये कहना था कि जब हमने स्टोरी सुनाई तो नवाज भाई ने बोला कि मैं कॉप्स जो पुलिस का रोल है वो करूँगा, लेकिन वो चाह रहे थे कि आप लीड प्ले करें। अब आप अपने सोलो फिल्मों को भी चला पा रहे हैं, तो वाई यू हैव डिनाइड टू टेक द लीड रोल इन रईस? नहीं, एक्चुअली जब वो रोल मैं गैंगस्टर कर चुका था गैंग्स ऑफ वासीपुर में, तो मैं सोच रहा था आप कॉप का करता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना एक्टर के लिए गैंग्स के बाद थी ना वो फिल्म। तो और लेट मी टेल यू के वो श्वेता जो हैं वो पहले उस पे काम राहुल के साथ काम कर रही थी, तो इन्होंने मुझे कॉल किया था सबसे पहले कि नवाज भाई राहुल ढोलकिया से मिलना है और इस तरह का एक रोल है ये, तो तब जाके नरेशन हुआ वो, और नरेशन में मैंने देखा कि कॉप का रोल भी बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा ये करना चाहिए। तो उस वक्त पे नहीं बनी फिल्म, बट लेटर ऑन फिर बहुत बड़े उसमें बनी फिल्म। थैंक यू। शाम के कैरेक्टर के लिए लाइक मैं जैसे मैंने बताया था बहुत ही लाइक स्पॉन्टेनियस, बहुत ही इम्प्रोवाइज और करके हमने किया, और सबसे अच्छी बात ये थी कि सारे एक्टर जैसे श्वेता है, मैं और जो भी जो बच्चे थे, हम लोग एक ही होटल में थे और वहीं पे हम रिहर्स करते थे, उसके बाद हम चले जाते थे उसको सीन को करने के लिए। तो ये जो श्लोक का जो ये स्टाइल जो था, और जैसे श्लोक ने भी बताया कि बहुत ही स्पॉन्टेनिटी इसलिए थी हर सीन में कि श्लोक ने जैसे कि हमें ये सीन इस तरीके से करना, अगर उस तरीके से नहीं हुआ दूसरे तरीके से हो गया तो वो भी ये नहीं कि स्टेज नहीं किया। और बहुत ही अगर आप देखेंगे फिल्म को तो उसमें बहुत ही इम्प्रोवाइज चीज़ें हैं, बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अमूमन फिल्मों में देखने के लिए नहीं मिलती आपको, क्योंकि फिल्मों में अक्सर होता बहुत स्टेज्ड, फंबल भी नहीं होता, एक डायलॉग के बाद दूसरा डायलॉग बोलता। हमने वो सारे मिथ ब्रेक करने की कोशिश की कि अगर ये बोल रहा है उसके साथ मैं भी बोल रहा हूँ, तो क्योंकि जो आम लाइफ में होता है फंबल भी करते हैं आम लाइफ में, हम फंबल्स को कभी दिखाते नहीं हैं, ओवरलैपिंग को कभी दिखाते नहीं हैं कि अरे ये तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन इससे डरना नहीं चाहिए। तो हमने अनोइंगली मुझे लगता है कि इस पिक्चर में हमने बहुत सारे मिथ तोड़ी हैं, भले ही बहुत छोटे प्लेटफॉर्म पर तोड़ी हूँ, बट हमने एज एन एक्टर एज ए डायरेक्टर हम लोगों ने कोशिश की कि वो जो सारी चीज़ें हम लोग दिखाते हैं कि एक डायलॉग ख़त्म हुआ उसके बाद दूसरा बोलता है, नहीं ज़रूरी नहीं है आप बोल रहे हैं उसके बीच में मैं भी बोल सकता हूँ, ज़रूरी नहीं मैं आपकी तरफ ही देख के बोलूँ, मैं इधर भी काम करते करते भी बोल सकता हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो मेरे लिए प्रोसेस ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस थी, और आई थिंक वही लर्निंग पॉइंट था, वही प्रिपरेशन थी इसकी। जी जी देखिए हरामखोर, पहले तो मैं सबको, मैंने अभी गुनीत को यही बोला कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हम लोग हरामखोर की सक्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो पहले तो बिग 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 बहुत ही बड़ा थैंक यू, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते, आप लोग का सपोर्ट नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं होता, हम लोग यहाँ पर नहीं होते अभी। मेरे लिए हरामखोर, जैसे नवाज भाई ने कहा कि हर फिल्म बहुत स्पेशल होती है, लेकिन हरामखोर इज माय डेब्यू इन अ वे, क्योंकि मैंने सबसे पहली फीचर फिल्म जो शूट की है वो हरामखोर है। तो लेकिन सबसे पहली फिल्म जो बाहर आई वो मसान थी। तो अब टेक्निकली कौन सा डेब्यू है वो तो गुनीत बना पाएंगी, दोनों गुनीत ने ही प्रोड्यूस किए हैं। तो लेकिन दोनों फिल्म मेरे लिए बहुत खास है, लेकिन हरामखोर का बाहर आना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये श्लोक की डेब्यू है। इस फिल्म से मैंने बहुत सीखा है, बहुत ग्रोथ हुई है मेरी वर्किंग विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनको मैं भाई नहीं बुला रही हूँ अभी। तो आई एम वेरी हैप्पी विद माय रिपोर्ट कार्ड सो फार। नवाज भाई बच्चों के साथ बहुत डिफिकल्ट होता है काम, मुझे डर रहता है बच्चों के साथ और जानवरों के साथ काम करना, सच बता रहा हूँ, क्योंकि वो कहाँ पे रिएक्ट कर देते हैं ना कुछ नहीं पता होता।
और बहुत अनकन्वेंशनल होता है उनका परफॉर्मेंस. आपको कन्वेंशनल एक्टर का मालूम होता है, अच्छा यहाँ पे ये पॉज लेगा, यहाँ पे ऐसे बोलेगा, थोड़ा मालूम होता है. लेकिन बच्चे कहाँ पे, मतलब कहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट कर देते हैं. अच्छा करते हुए तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब उनको स्क्रीन पे देखते हैं उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस हो जाती है. आप किसी जैसे गाय है, गाय को दिखानी है तो वो कहीं भी रिएक्ट कर देगी, लेकिन बहुत अच्छी लगती है वो. तो बहुत स्कैरी एक्सपीरियंस रहता है बच्चों के साथ काम करना. गब्बर बच्चों की, हाँ गुनीत बताएंगे. मैं बता देता हूँ कि कैसा रहा. गब्बर जो शक्तिमान आपने देखा है वो नवाज भाई लेके आए. नवाज भाई ने पतंग करके एक फिल्म की थी और उन्होंने उसको सेट के बाहर वो खड़ा रहता था और वो खाली हाफ पैंट पहनता था, ऊपर शर्ट नहीं पहनता था, नीचे कुछ नहीं पहनता, वो डराता था. हम लोग उसको गब्बर बोलते थे. और वहाँ से आए नवाज भाई ने बोला, देख यार एक बहुत कमाल बंदा है, छोटा सा बच्चा है, मुझे चक्कू भाई बुलाता है. नवाज भाई को चक्कू भाई बुलाता था वो. तो मैंने बोला नवाज भाई मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं. तो जब वो आया तो वो ऐसे बैठा हुआ था हम लोगों से मिलने के लिए. मैंने बोला यार ये क्या बंदा है. तो हम लोग ने सोचा इसको क्या करें. हमने बोला इसको शक्तिमान के कपड़े पहना देते हैं. तो वो पूरी फिल्म में शक्तिमान की तरह घूमता है ना, वो इनसे डरता था. वो इनको सामू बोलता था और सब लोग सर बोलते थे उनको, सामू बोलता था. तो वहाँ से शक्तिमान आए. मुकेश छाबरा जी ने कास्टिंग की वो दो छोटे बच्चों की, और नवाज भाई और श्वेता और नीलू जो हैं, जो इनकी मॉम बनी, और हरीश जी वो मैं जिनको, हाँ त्रिमाला, मैं इन सबको जानता था. तो फ़ोन करना पड़ा और स्क्रिप्ट बतानी पड़ी कि सर करोगे प्लीज़. Before we move on to the next question, I'd also like to invite Jasleen Royal on the stage, who sung the beautiful Kidre Jama. Jasleen, please come up on the stage. Hello. Yes, ma'am. चक्कू भाई इसलिए बुलाते क्योंकि पतंग पिक्चर में मेरा चाकू नाम था. तो चक्कू भाई और शामू, एक्चुअली वो जिस जगह से आए वहाँ पे इतना ज़्यादा कोई भाई चाचा ये सब बोलने की मतलब वो नहीं है, मतलब तो खुले खुले टाइप का बंदा है वो मेरे लिए ना अल्पचिनो था वो एक्चुअली. वो जब बैठता था जैसे श्लोक ने बताया तो ऐसे करके बैठता था, ए चक्कू भाई दरा ऐसा. आई हैव टू से दैट मैंने नवाज भाई के साथ काफ़ी काम किया है, एंड आई हैव टू से दिस, एंड मैंने कभी उनको ये बोला नहीं, बट जब कैमरा ऑन होता है ना तो नवाज भाई इज़ दैट कैरेक्टर, एंड इट इज़ मैजिक टू सी हिम डू दैट. और जैसे ही कैमरा ऑफ होता है ना, ऑफ टेक, आपको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ गए वो, कहीं मतलब क्राउड में, मतलब हम, और जैसे ही कैमरा ऑन होता है ही बिकम्स दैट, चाहे वो हरामखोर, चाहे वो मानसून छूटा, चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर, चाहे हमने जितना भी काम किया ना, तो टू बी दैट पर्सन जो सब में घुल मिल जाता है, जो इतना ईज कि कोई उनको ऐसे बोल सकता है ऑन द सेट, कोई ऐसे बात कर सकता है, इज़ अ गिफ्ट, यू नो. एंड सबको लगता है कि ये हमारे अपने और हम जाकर इनसे ऐसे बात कर सकते हैं. तो सेट पर हमेशा ये माहौल होता है कि मतलब हर कोई, छोटे बच्चा भी आकर अरे ऐसे बात कर सकता है, बिकॉज ही अलाउज इट, यू नो. तो वो बहुत मैजिक है, वो एक बहुत मैजिक है एक इनका. तो थैंक यू नवाज भाई. आपसे सवाल है नवाज भाई, आपके सामने इधर नवाज भाई, आपने AIB के एक प्रोग्राम में कहा कि छोटी फिल्मों को जब मैं शूट करता हूँ तो ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिलती और बड़ी फिल्मों में लोग तालियां बजाते हैं, तो इस फिल्म में आपको मिली थी जब आप शॉट करके निकलते थे या क्या था? ज़्यादा लोग ही नहीं होते थे, मतलब कहाँ पे ये फिल्म, ये हरामखोर कहाँ पे तालियां, मतलब जब आप शॉट करते थे, शॉट के वक्त जो नहीं शॉट के वक्त तो ज़्यादा पता नहीं चलता कि भाई काम अच्छा किया है या बुरा किया है. और क्यों आपने AIB में ये बात बोली थी, क्या ऑब्जर्वेशन था आपका? नहीं, क्या होता है कि छोटी फिल्म क्या छोटे प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होती है ना. अभी क्या होता है कि अगर कोई फिल्म 200 करोड़ कमा ले और उसमें जो सीन कर रहा हूँ मैं, तो चाहे इतना कोई ख़ास सीन नहीं, लेकिन यार क्या सीन करता है बंदा, माय गॉड. और वही उससे भी बढ़िया सीन, जैसे ये हिट फिल्म में भी होता है, हिट फिल्म हो जाती है ना, उसमें सारी परफॉर्मेंस की सब एप्रिसिएशन होता है. फिल्म फ्लॉप हो जाए, कितनी दुनिया की सबसे अच्छी एक्टिंग कर दो, मैं डिनेरो को, ब्रांडो को आके भी करवा लूँ, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो जाए
तो वो बोल रहे यार क्या कुछ नहीं है सब। और एक बात और बोली थी आपने कि शाहरुख खान कई बार टेक देते हैं लेकिन सलमान भाई सिर्फ एक बार आते हैं और एक ही टेक में वो फिनिश कर जाते हैं। नहीं 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 कई बार नहीं देते वो टेक, वो भी एक ही टेक में ओके कर देते हैं। भाई मेरे से ये सब वो ऐसा होता है कि कभी कभी मन करता है एक टेक ओके हो गया, अब दोबारा फिर से कुछ और निकालते हैं चीज इस टेक में, वेरिएशन में, यू नो वैसा होता है। और भाई ये नहीं के आपने बोला भाई जो है तो एक टेक ही देते हैं उसके बाद मना, मतलब मना हाँ करते। भाई का ये है कि एक टेक हो गया ओके, अब दोबारा नहीं मांगने का है। नवाज भाई दिस नवाज भाई मैं ये कह रहा था कि रियल लाइफ में जैसे मान लीजिए कि मैं आपने बेमिसाल अभिनय किया है, नेगेटिव कैरेक्टर निभाया है, लेकिन जब रियल लाइफ में आपको अगर नेगेटिविटी होता है, मतलब आपके बारे में कोई खबर ऐसी होती है जो आपको दिल को अच्छी नहीं लगती, तो फिर कैसा महसूस होता है आपको एज अ सेलिब्रिटी एज अ इंडिविजुअल? रियल लाइफ में ऑफकोर्स दुख होता है कोई अगर नेगेटिव खबर आती है ना, दुख होता है। हालांकि मैं उसमें भी रियल लाइफ में ज़्यादा एक्टिंग करता हूँ, मैं ऐसा दिखाता हूँ बहुत आराम से हूँ लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, यू नो। बट आई थिंक मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं रियल लाइफ में ज़्यादा एक्टिंग करता हूँ। नवाज भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट स्टेट से आते हैं एक्टर बनने के लिए, जब भी मैं बात करता हूँ तो नवाजुद्दीन का नाम आ जाता है, तो आपकी जो संघर्ष की कहानी हराम खोल तक रही है, तो उन लोगों के लिए जो लोग बॉलीवुड में आ रहे हैं नए चेहरे हैं और आपका एक एग्जाम्पल सेट कर रखा है, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? खैर मैं मैसेज देने को लायक तो अभी हुआ नहीं, मेरा भी शुरुआती है अगर देखा जाए तो 2012 से मेरी शुरुआत हुई है, क्योंकि तभी से मेरी फिल्में आनी शुरू। बहुत सारे लोग हैं जो अपने मुजफ्फरनगर नोएडा उस वेट से आ रहे हैं अब तक जी, और आपका एग्जांपल दे रहे हैं उन्हें। मैं तो देखो उन लोगों के लिए कुछ तो कहेंगे। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि जो वो लेके आते हैं अपने शहरों से अपने बचपन से, वो चीज़ें संजो के रखें क्योंकि वही USP होती, वही काम आती है। अगर आपकी सफलता की बात करें तो आपकी इतने सालों में आपके सफलता के पीछे कौन रहा, किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? नहीं मैं अभी कहाँ अपने आप को सफल मानता हूँ, मैं तो अभी शुरुआत है, अभी से अपने आप को मानने लगूं कि मैं सफल हो गया तो वो कहीं ना कहीं करप्शन आने लगेंगे दिमाग में, तो मैं नहीं मानता। मेरा काम है काम करते रहना, जब मैं काम करूँगा तो मेहनत करूँगा और कोशिश करूँगा कि दुनिया की सबसे अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश करूँगा, ये इस कॉन्फिडेंस से मैं आता हूँ, भले ही हो पाए ना हो पाए वो दूसरी बात है। नवाज भाई आपने एक इंटरव्यू में कहा कि लड़कियां पटाने के लिए आप पतंग उड़ाया करते थे और पतंग के माध्यम से मैसेज दिया करते थे, कभी कुछ ऐसा हुआ किसी ने आपको हराम खोर का टैग दिया हो? कौन कौन से जख्म कुरेद रहे हो?